जय माता की। टोंडला वाली दीदी ऑफिशियल नहीं ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सभी को सौ में मस्त होंगी, अपनी जिंदगी मस्त होंगे। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। खुश रहिए, मस्त रहिए। फ्रेंड आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब सही होंगे, लेकिन मैं अच्छी नहीं क्योंकि माशा की तबीयत ख़राब है। और फ्रेंड त्यौहार भी आने वाला है और तबीयत भी ख़राब है, तो कुछ भी सही नहीं लग रहा। क्या त्यौहार, क्या जब इंसान सही होता है तो त्यौहार या सब कुछ अच्छा लगता है। कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, सब अच्छा लगता है। जब इंसान की तबीयत ख़राब है तो कुछ सही नहीं लगता है। और बच्चे भी मेरे इतने बड़े नहीं हैं और समझदार नहीं हैं बच्चे भी। हाँ इतने बड़े तो हैं पर ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, तो सब देखना पड़ता है और सब मैनेज करना पड़ता है। और अचानक से तबीयत ख़राब हो गई तो और ज़्यादा दिक्कत बन गई। और फ्रेंड आप तो जानते ही हैं ना कि समस्या एक बहुत बड़ी परेशानी लेके आती है ना। तो जो भी है अब उनका इलाज चल रहा है, आराम तो है उनको वैसे, पर फिर भी जो वीकनेस है वो तो धीरे धीरे पूरी होगी, एकदम नहीं पूरी होगी। क्योंकि रिकवरी है ना एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे पूरी होती है। और वो मेडिसिन चल रही है उनकी। फ्रेंड दो दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी कि आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मास्टर जी की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और फ्रेंड हॉस्पिटल वगैरह में तो वीडियो बनाने नहीं देते हैं। अब पहले सबसे पहले इंसान को देखना चाहिए, वीडियो तो बनता ही रहेगा है ना। अपना इंसान ठीक है तो सब कुछ सही है, अब इंसान ठीक नहीं है तो वीडियो वगैरह का क्या कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। इसलिए वीडियो नहीं बनाई, वीडियो तो बनाने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि उनकी दवा वगैरह देखना, सब कुछ देखना और खाना भी टाइम से देना, दवाई भी देना, देखभाल करना। फ्रेंड जब तक कैंडिडेट ठीक नहीं होता जब तक सारी देखभाल करनी पड़ती है। और जो उसकी तबीयत ख़राब है उसे तो कम देखें, दूसरे जो कैंडिडेट होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सब काम उनका देखना, सब कुछ करना। फ्रेंड इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी, इसलिए दो दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल इसलिए नहीं आ रही थी। तो वो ठीक हो जाए, घर तो उन्हीं से चलता है ना। तो जब वो ठीक रहेंगे तो सभी लोग ठीक रहेंगे। लेकिन पहले से हाँ ठीक है, फिर भी चलते हैं फिरते हैं, खाना भी खाते हैं। लेकिन दो तीन दिन से तो बहुत ही प्रॉब्लम थी, इतनी दिक्कत थी फ्रेंड की क्या बताएं। और जिस पे परेशानी होती है वही जानता है, हर इंसान नहीं जानता है कि क्या परेशानी होती है। और जिसके घर में परेशानी है वही जानता है। हाँ बहुत सारे लोग ये कहते सोचते होंगे झूठी वीडियो बनाते, झूठी वीडियो नहीं है जो वास्तव में है वही मैं बता रही हूँ। कि अभी हमारे घर पर इतनी दिक्कत है कि हम फ्रेंड बता नहीं सकते, इतनी प्रॉब्लम है कि किसी के साथ डिस्कस नहीं कर देते समस्या है। और जो घर में कमाने वाला हो और उसकी तबीयत ख़राब हो तो फ्रेंड बहुत परेशानी होती है कि अचानक से परेशानी हो गई, क्या हुआ क्या ना हुआ। और फ्रेंड आप तो जानते हैं कि कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का साथ नहीं देता। जो भी है आप हो, हमारे जो ऑडियंस है वही हमारी भगवान है और नहीं है। अच्छे में सभी अपने हो जाते हैं, सभी साथ देते हैं, लेकिन जरा सी अगर प्रॉब्लम हो परेशानी हो तो सभी साथ छोड़ देते हैं, चाहे अपने वो सगे हों। और सगे तो पहले ही साथ छोड़ते हैं कि कहीं कहीं हमसे कुछ मांगने ना लगे, कुछ कभी कुछ कहने ना लगे कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो अपने तो पहले ही मुंह मोड़ लेते हैं। तो सभी सोचना पड़ता है ना। और फ्रेंड कहने वाले तो फालतू बातें हज़ार होते हैं और मदद करने वाला तो सौ में एक आदमी मिलता है,
मदद करने के लिए कोई हाथ खड़ा नहीं होता, और तुम्हारे सब कुछ सही है तो सभी तुम्हारे साथ ही खड़े हो जाएंगे कि हाँ अभी तक तो, जब परेशानी होगी तो सब साथ छोड़ के चले जाते, चाहे वो कोई भी हो कहीं के भी हो सभी साथ छोड़ देते हैं, ये कहीं हमसे कोई उम्मीद नहीं रखने लगे। यही समस्या हमारे साथ है कि हमारा अपना कोई सगा नहीं है, सब मतलब के होते हैं और मतलब की दुनिया है, कोई किसी का नहीं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत परेशानी है हम लोगों को, हम बयान नहीं कर सकते कि हम लोग कितने दिक्कत है, लेकिन जो भी है ऊपर वाला करेगा वही होगा। बस माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे और ऑडियंस अपना आशीर्वाद बनाए रखे, साथ दे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही भगवान हो, सब कुछ हो। 4-5 दिन हो गए इतनी दिक्कत हो रही है जब से उनकी तबीयत खराब हुई है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्या बताएं। आप कुछ समझदार हो तो जानते हो, भी जो गालियां देता है, गंदी वीडियो बनाता है, फालतू की बात है, उनको सपोर्ट करती है। जो सही वीडियो बनाता है, जो सच्ची बातें अपनी बताएगा, उसको ऑडियंस भी कम सपोर्ट करती है। ये सोचता है कि भाई इसकी कौन सपोर्ट करे इसको, सही झूठ बोल रहा हो, लेकिन ये झूठ नहीं है, सच है। तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम, क्या होता है आपको, बहुत दिक्कत है। जो भी है सब समस्या सॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे, सब सही हो जाएगी। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, पढ़ते हैं, अभी समझदार इतने बड़े नहीं हैं, देखो कोई जॉब वगैरह कर रहा हो ना, तो कहीं से कुछ पैसे का जरिया भी नहीं है, तो कोई चलो कोई बात नहीं, फिर भी इलाज मैं करा रही हूँ उनका, जैसे सबसे इलाज करा रही हूँ उनका मैं, और आप लोग दुआ कीजिए ठीक हो जाए जल्दी, कोई दिक्कत ना हो, सब सही हो। जो भी होगा कल अपडेट दूँगी क्या है, और दुआ कीजिए ठीक हो या प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।